डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग सिंगल फेज के बारे में पढ़ चुके थे, थ्री फेज जिसको एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम बात किए थे, दूसरा हम लोग बात किए थे डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का बात कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम। और आज के डेट में जो है से कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम है, ये जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, ये आपका यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट में भी पढ़ना है। यूटिलाइजेशन में ट्रैक्शन एक चैप्टर है, तो वहाँ पर जो है आपका क्या है, सेम चीज़ आपको पढ़ना है, तो वहाँ पर हम सेम वीडियो को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जब वहाँ पर हम पढ़ाएंगे, बात समझे। यानी कि यूटिलाइजेशन में भी ये सेम टॉपिक को पढ़ना, वहाँ पर हम सेम चीज़ के लिए मेहनत नहीं करेंगे, इसका हम बेसिक में ही मेहनत कर ले रहे हैं, बात समझे, ध्यान देंगे। जब वहाँ पर हम करेंगे सेम वीडियो को, वहाँ पर हम लिंक दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा सिस्टमेटिक वे में। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट ट्रैक्शन। कंपोजिट वर्ड ही से नाम हो रहा है, क्या मिक्स है, कोई दो चीज़ क्या है, मिक्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे कि कंपोजिट मेथड से करेला बहुत लंबा लंबा फरने लगता है। करेला का पेड़ और कद्दू का पेड़ दोनों को एक दूसरे में मर्ज करके कद्दू के पेड़ को काट दिया जाता है, तो कद्दू वाला भी एनर्जी करेला लेने लगता है, बड़ा बड़ा फैल है, इसको हाइब्रिड बोल सकते हैं या कंपोजिट मतलब मिक्स बोल सकते हैं, यानी कि दोनों का एडवांटेज ले लेना। यानी कि कंपोजिट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या होगा बताइए, ये डीसी का भी एडवांटेज को कवर करेगा, एसी का भी एडवांटेज को कवर करेगा, सिंगल फेज एसी को एफी या फिर थ्री फेज एसी दो सबका एडवांटेज को कवर करेगा। ये जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगल फेज एसी अगर हम बात करेंगे तो एसी का क्या एडवांटेज है बताइए, एसी का ट्रांसमिशन करना या डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या है, बहुत ही आसान है, तो इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेस कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होगा, लेकिन एसी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, सबसे फर्स्ट एडवांटेज इसका क्या है, लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इसका होगा। दूसरा अगर हम बात करें, अगर हम डीसी का बात करेंगे, डीसी सिस्टम क्या होगा, एक्सेलेंट ड्राइविंग कैपेसिटी मतलब यहाँ पर हम डीसी सीरीज मोटर को यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क यानी कि डीसी मोटर का टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से हम लोग डीसी ट्रैक्शन को हम लोग प्रीफर करते हैं। एसी का ट्रैक्शन सिस्टम में आपका डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या होता है, बहुत कम खर्चा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बहुत कम खर्चा होता है, लेकिन डीसी अगर ट्रैक्शन बात करेंगे तो वहाँ पर डीसी सीरीज मोटर जिसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छे तरीके से क्या करेगा, ड्राइव करेगा, तो बहुत अच्छा बात है, दोनों के एडवांटेज को कंबाइन करेंगे। अगर हम थ्री फेज का अगर बात करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है, क्या होता है बताइए, ऑटोमेटिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है। अगर हम कंपोजिट बात करेंगे तो तीनों का एडवांटेज को हम लोग ले लेंगे, तीनों के एडवांटेज ले लेंगे, यानी कि पहला का एडवांटेज क्या लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। दूसरा का एडवांटेज क्या लिए कि उसमें ड्राइविंग टॉर्क वगैरह जो है डीसी सीरीज मोटर में सबसे ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग ले लेंगे। तीसरा जो हम लोग एसी थ्री फेज सिस्टम का ऑटोमेटिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है तो इसमें तीनों के एडवांटेज को कंबाइन कर लेंगे तो एसी डीसी का सिंगल फेज थ्री फेज का तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बताइए, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम गिव्स बेटर रिजल्ट देन द इंडिविजुअल सिस्टम, यानी कि इंडिविजुअल सिस्टम से पूरा कंबाइन करेंगे तो बेटर आपका रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए हम लोग इवेल्युएशंस करते हैं किसका, कंपोजिट सिस्टम। इवेल्युएशन मतलब कैसे आविष्कार किए, यानी कि हम देखें कि इसमें ये ड्रॉबैक्स है इसको दूर कैसे करें, इसमें ड्रॉबैक्स है कैसे दूर करें, तो सबका एडवांटेज को लेकर के एक ट्रैक्शन सिस्टम बनाए इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसको हम लोग बोला गया क्या, कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम। यानी कि कंपोजिट में ट्रैक्शन सिस्टम या इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम हम बात किए, इस एसी डीसी सबको हम लोग क्या किए, मिला लिए, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली दो प्रकार के हैं, एक हमारा सिंगल फेज टू थ्री फेज है, सिंगल फेज टू थ्री फेज है, एक सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम है, ये तो हम लोग को फिक्स हो गया। ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करना है, रेलवे में भी देखेंगे कि एक ही लाइन होता है, क्यों एक ही लाइन होता है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट कम जाए, तो सिंगल फेज को भी हम लोग फेज चेंजर के द्वारा हम लोग थ्री फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, फेज चेंजिंग ट्रांसफार्मर एक होता है, और सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आइदर हम लोग सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम बहुत जगह पर आजकल ये यूज हो रहा है, बहुत जगह पर ये भी यूज हो रहा है, ज़्यादातर ये यूज हो रहा है सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसके तुलना में, लेकिन थ्री फेज सिस्टम भी आजकल यूज होने लगा है। तो हम दोनों के बारे में देखते हैं कि सिंगल फेज थ्री फेज सिस्टम क्या है और सिंगल फेज डीसी सिस्टम क्या है, दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप जल्दी से। और देखो हम बात करते हैं, ये जो हम लोग देखें कंपोजिट सिस्टम दो प्रकार के होता है, एक जो होता है सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम, एक क्या होता है सिंगल फेज टू थ्री फेज सिस्टम, दूसरा जो होता है सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम।
अब दोनों को अपना अपना कुछ ना कुछ खासियत है, दोनों में देखो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत का ही अंतर है, ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत का ही अंतर है, ठीक है। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये जैसे कि ऊपर में आप रेलवे को आप देखिए, ध्यान से देखिए, हम अगले क्लास में से रेलगाड़ी को लेकर के हम दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव उसका पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऐसा आज भी कुछ कुछ बात को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ऊपर में देखे होंगे ऐसे वायर रहता, वायर को ऊपर में ट्रेन में ऊपर में एक टच करता है ना जिससे टच करता है उसको बोलते हैं क्या, पेंटोग्राफ। टच करता उसको क्या बोलते हैं ट्रेन में, पेंटोग्राफ, जो ऊपर मेन लाइन से टच करता है तो क्या करता है, पेंटोग्राफ बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट करता है किसके, ऊपर वाला इलेक्ट्रिसिटी को, साथ ही साथ क्या रेलवे में जो इंजन है उसमें जो भी लोकोमोटिव सिस्टम में ट्रांसफार्मर वगैरह है उससे क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, कौन सा, पेंटोग्राफ, उसको लिंक करने का काम करता है, ठीक है, जो ऐसे निकला रहता है ऐसे चलते रहता है, ठीक है, वो पेंटोग्राफ है, ठीक है। दूसरा बात करेंगे सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें सर्किट ब्रेकर के बारे में, हम बताए भी हैं स्विच गियर प्रोटेक्शन अगर पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर, कि सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा है जो कि नॉर्मल अब नॉर्मल दोनों कंडीशन में क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, कौन वर्क कर सकता है सर, तो सर्किट ब्रेकर कर सकता है। तो सर्किट ब्रेकर हमारा नॉर्मल कंडीशन में भी ऑपरेट कर सकता है, साथ ही साथ क्या अब नॉर्मल कंडीशन में भी ऑपरेट कर सकता है, कौन ऑपरेट कर सकता है बताइए, तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर सकता है। तो अगर हमारा मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल कंडीशन में भी इसको कट कर सकते हैं, या फिर सर्किट में कहीं पर फॉल्ट आ गया तो ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, ट्रिप करेगा और कनेक्शन को क्या, पेंटोग्राफ टच भी रहेगा तब भी सर्किट ब्रेकर उसको क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। अब देखिए हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर को क्यों यूज किया जाता है बताइए, ये ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्यों क्यों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है बताइए, ऊपर का जो वोल्टेज आप देखे हैं लिखा रहता है, आप रेलवे ब्रिज पर चढ़े होंगे, रेलवे पुल पर चढ़े होंगे तो देखे लाइन पर लिखा रहता है, लाइन के पुल पर लिखा रहता है डेंजर है, खतरा है, 25,000 वोल्ट है, यानी 25 kV का ऊपर रहता है, 25,000 वोल्ट रहता है, तो 25,000 वोल्ट रहता है साथ ही साथ जो रहता है आपको क्या 50 Hz फ्रिक्वेंसी पर आता है, उसको क्या करता है स्टेप डाउन कर देता है एक डिजायर्ड वैल्यू तक, क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को क्या करेंगे स्टेप डाउन कर देंगे, फिर क्या स्टेप डाउन करने के बाद फिर क्या रेक्टिफायर सर्किट लगा रहता है, जो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर पढ़े हैं सेम रेक्टिफायर सर, रेक्टिफायर सर्किट लगा रहता है, रेक्टिफायर का काम क्या है बताइए, रेक्टिफायर का काम क्या है बताइए, ये हमारा एसी को डीसी में बदलना, तो जो आपका एसी है उसको क्या करेगा डीसी में बदलेगा, और डीसी में बदलेगा तो कुछ उसमें हार्मोनिक्स वगैरह रह जाएगा, रिपल वगैरह रह जाएगा, तो उसको कम करने के लिए फिल्टर को उपयोग किया जाता है, तो फिल्टर उपयोग कर लिए, साथ ही साथ जो भी डीसी बना तो डीसी बना उसको ऑक्जिलरी पावर सर्किट में हम लोग उसका क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे, ऑक्जिलरी पावर सर्किट में जो भी जैसे डीसी फैन वगैरह ट्रेन में बोगी में फैन वगैरह चलता है वो सब ऑक्जिलरी सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे देखिए हमारा ये जो है ये अभी तक क्या है बताइए, बड़ा एसी था ज़्यादा वोल्टेज का 25 kV का, कम में कर दिए, कम में करके फिर एसी को डीसी में बदल दिए, डीसी को प्योर डीसी बना दिए, और फिर डीसी को क्या करेंगे इन्वर्टर के द्वारा हम लोग डीसी को क्या करेंगे बताइए एसी में कन्वर्ट करेंगे, एसी में कन्वर्ट करेंगे वो भी कैसा एसी, 3-phase एसी में कन्वर्ट कर लेंगे, डीसी को कुछ भी सिंगल फेज भी कर सकते हैं या 3-phase भी कर सकते हैं, 3-phase जितना डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी इंडक्शन मोटर के चाहिए उतना पर हम लोग कर लेंगे, ये सब लोकोमोटिव के अंदर होगा, ट्रेन इंजन के अंदर होगा, और ये 3-phase फिर क्या करेगा बताइए, 3-phase इंजन क्या करेगा ऑपरेट करेगा, ठीक है, 3-phase इंजन क्या करेगा बताइए आपका ऑपरेट करेगा। तो आपको कंपोजिट सिस्टम आए तो पहले लिखा है उसको लिखना है, साथ ही साथ डायग्राम को बनाना है, और जितना बात बोले उतना बात को लिख देना है, कैसे लिखिएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर शॉर्ट में हम इसको लिखे हैं द सिंगल फेज सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू द 3-phase सप्लाई, ये सिंगल फेज सप्लाई है यहाँ पर कन्वर्ट हो गया क्या 3-phase सप्लाई में, ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी यूजिंग फेज कन्वर्शन इक्विपमेंट, सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड ऑफ द इंडक्शन मोटर, और सेम फ्रिक्वेंसी यूजिंग फेज कन्वर्शन इक्विपमेंट इन द लोकोमोटिव इटसेल्फ अपने आप, द 3-phase सप्लाई देन फिट टू द इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर को 3-phase सप्लाई फिर देंगे, देन लोकोमोटिव ट्रैक्शन सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द कॉन्डो सिस्टम, ये देखो ये नाम ऑब्जेक्टिव पूछता है कॉन्डो सिस्टम, आपको कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा डिस्क्राइब कॉन्डो ट्रैक्शन सिस्टम, कॉन्डो ट्रैक्शन सिस्टम बोलेगा तो कंपोजिट सिक्शन है, कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम है जो कि सिंगल फेज टू 3-phase है, स्पेशली कभी कभी पूछ चुका है आपका कि कॉन्डो ट्रैक्शन सिस्टम क्या है, यूटिलाइजेशन में पूछा है बेसिकली, ठीक है, ट्रैक्शन में भी पूछ सकता है आपको, ठीक है, सेम टॉपिक को आपका ट्रैक्शन में भी पढ़ना है साथ ही साथ आपका यूटिलाइजेशन में भी पढ़ना है, यूटिलाइजेशन में भी एक चैप्टर ट्रैक्शन है उसमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए हमारा कैसे समझिए फिर से,
ये पेंटोग्राफ का क्या काम है, बेसिकली आपका जो ओवरहेड लाइन है और रेलवे का जो लोकोमोटिव का जो इंजन है उसको कनेक्ट करने में, लिंक करने में काम कर रहा है, कौन सा, पेंटोग्राफ। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, नॉर्मल अब नॉर्मल दोनों कंडीशन में क्या करता है, वर्क करता है। और फिर ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन क्यों किए, क्योंकि 25,000 वोल्ट रहता है, 25,000 वोल्ट जो कि गड़बड़ है, उतना वोल्ट को मोटर को अगर मिलेगा तो जल जाएगा ना, तो उसको क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से लोकोमोटिव जो इंजन है उसके अंदर ही ट्रांसफार्मर रहता है, वो कम वोल्टेज कर देता है। कम वोल्टेज किया, हमारा 50 हर्ट्ज है फॉर एग्जांपल, तो एसी से डीसी एक रेक्टिफायर लगा रहता है। तो रेक्टिफायर का क्या काम क्या है बताइए, एसी को डीसी में बदलना, लेकिन डीसी बदलेगा तो प्योर डीसी नहीं होगा, प्योर डीसी नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, एक फिल्टर। फिल्टर का काम क्या होगा बताइए, जो भी डीसी होगा उसको प्योर फॉर्म में लाना। उसके बाद क्या करेंगे, ये डीसी सर्किट से बहुत सारा ऑक्सिलरी फंक्शन होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, चलाएंगे। ऑक्सिलरी फंक्शन जैसे कि कूलिंग सिस्टम हो गया, फैन को ऑपरेट करना, लाइटिंग ऑपरेट करना, ये सब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है से आपका डीसी सिस्टम को हम 3-phase एसी में बदल देंगे फेज चेंजर्स के द्वारा, इन्वर्टर बेसिकली होगा। और इसको चेंज करने के बाद यही हम फीड करेंगे इसको 3-phase इंडक्शन मोटर। दो इंडक्शन मोटर लिए हैं सर, दो इंडक्शन मोटर क्यों लिए हैं, देखे होंगे कि 4 चक्का रहता है, 2 चक्का आगे और 2 चक्का पीछे रहता है, तो आगे चक्का के पास भी एक ट्रैक्शन सिस्टम मोटर लगा रहता है, पीछे वाला चक्का के पास भी एक ट्रैक्शन मोटर लगा रहता है। ये 3-phase इंडक्शन मोटर बेसिकली कैसा मोटर है, ट्रैक्शन मोटर है। इस तरीके से हम लोग ये कांडो सिस्टम या 3-phase टू सिंगल फेज टू 3-phase सिस्टम में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। दूसरा अब हम आते हैं सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम, ये भी बिल्कुल सिमिलर ही है, ये जैसे इससे ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा स्थान पर यही रहता है, यही हमारा मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये। इसमें भी सेम चीज़ है, यही है आपका, कितना के वी है बताइए, ये 25 kV है, कितना के वी है, 25 kV है, 50 हर्ट्ज़ का ये लाइन है। अब एक चीज़ और बताएं, इसमें एक्सेल ब्रश का काम क्या है, ये एक्सेल ब्रश का काम है बेसिकली रिटर्न पाथ को देना, जैसे कि कहीं करंट कब फ्लो करेगा, जब क्लोज पाथ होगा तब ना, ये हमारा व्हील के थ्रू क्या करता है, आपका पटरी के थ्रू अंदर क्या करता है, क्लोज पाथ बनाता है, एक्सेल ब्रश का काम है रिटर्न पाथ को देना। इसमें भी एक्सेल ब्रश है, सेम काम। पेंटोग्राफ का क्या काम है, मेन लाइन को और इंजन को क्या करना, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट करना। सर्किट ब्रेकर का जो यहाँ काम था, सेम काम यहाँ, यहाँ भी ट्रांसफार्मर है, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए, ये टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर है। टैप चेंजिंग का फंक्शन क्या है, यहाँ पर एक फिक्स आपको मिल रहा था आउटपुट, लेकिन यहाँ पर इसको आउटपुट यहाँ पर करेंगे तो कुछ और आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर करेंगे तो कुछ और आउटपुट मिलेगा, यानी कि अपने डिजायर्ड के हिसाब से हम लोग आउटपुट यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ एक और ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है, जिससे ऑक्सिलरी पावर सर्किट को हम लोग देते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी पावर सर्किट को देते हैं। ऑक्सिलरी मतलब सहायक, वो मेन ट्रैक्शन सिस्टम में नहीं, जैसे लाइटिंग हो गया, फैन हो गया, जो बोगी के अंदर है, तो सब क्या ऑक्सिलरी पार्ट है, इससे हम लोग उसको दे सकते हैं, क्लियर है। और जैसे एसी इलेक्ट्रिफिकेशन, एसी उतना बड़ा बड़ा चलता है तो बैटरी से तो नहीं चल जाएगा एसी बॉडी की बोगी, इसमें सेम कंसेप्ट लगा रहता है, इसी कंसेप्ट के द्वारा उतना बड़ा बड़ा एसी ऑपरेट करता है एसी बोगी में। थर्ड एसी, थर्ड टायर बोलेंगे, सेकंड टायर, फर्स्ट टायर बोलते हैं ना, इसी के द्वारा ऑक्सिलरी फंक्शन सब काम करता है। ये टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर बेसिकली वोल्टेज को क्या किया, कम कर दिया, और जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं। फिर इसको डीसी में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय मीन्स ऑफ रेक्टिफायर। और डीसी आ गया, और डीसी के बाद थोड़ा सा यहाँ भी फिल्टरिंग हम कर सकते हैं, फिल्टरिंग करने के बाद फिर हम डीसी मोटर को देंगे। और डीसी मोटर यहाँ बहुत अच्छा ट्रैक्शन सिस्टम है, और डीसी मोटर बहुत ही अच्छा से इफेक्टिव में ऑपरेट करता है, ठीक है। द सिंगल फेज सप्लाई इज देन कन्वर्टेड इनटू द डीसी यूजिंग रेक्टिफायर एंड अप्लाई टू द डीसी सीरीज मोटर। यहाँ पर दो सीरीज मोटर, किसके लिए, दो आगे वाला व्हील के लिए, दो पीछे वाला व्हील के लिए, ट्रैक्शन सिस्टम है, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इंक्लूड हायर स्टार्टिंग इफिशियंसी बोलो या स्टार्टिंग टॉर्क बोलो, दोनों क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेस नंबर ऑफ सब स्टेशन, एसी अगर रहेगा तो क्या होगा बताइए, बहुत दूर दूर पर 50 से 80 किलोमीटर में लोग सब स्टेशन बनाएंगे। सिंपल कंस्ट्रक्शन और लोअर कॉस्ट, सिंपल कंस्ट्रक्शन एसी का होता है, ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो उसका अलग से हमारा सारा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, लेकिन एसी तो बहुत ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, तो सेम चीज़ आपका कार्य कर सकता है। ये आपको हम बताएं क्या, कंपोजिट मतलब क्या, दोनों एसी और डीसी दोनों क्या रहेगा, मिला रहेगा, ठीक है। और जिसका बहुत सारा एडवांटेज है, या फिर सिंगल फेज एसी टू 3-phase एसी आपका हो सकता है, या एसी टू डीसी आपका हो सकता है। ये जो आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, लेकिन इसके पहले वाला जो दोनों बताए हैं वो आने की संभावना बहुत कम है, बस केवल और केवल हम आपको बताए हैं नॉलेज पर्पस के लिए, लेकिन ये जो है आने की संभावना आपको ज़्यादा है, कभी कभी आ भी चुका है, आने की संभावना भी है। जो आने की संभावना रहेगा वही हम बोलेंगे, ये जो है आपका SBT एग्जाम्स में, आपका सेमेस्टर एग्जाम में, JTU के एग्जाम में, जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, सब एग्जाम में आने की संभावना है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा, कांडो सिस्टम या फिर कंपोजिट
दो तीन तरीके से, कंपोजिट इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम बोल सकता है या कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम बोल सकता है, सब में सेम ही बात लिखना है, ठीक है। ये आपका यूटिलाइजेशन में भी थोड़ा सा पढ़ना है, क्लियर है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।